अगर लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में लोग आपके बारे में, आपकी पहचान के बारे में, आपके चरित्र के बारे में जो अंदाजा लगाते हैं वो डेफिनेटली आपके आसपास रहने वाले लोगों के आधार पर लगाते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब बहुत साफ है कि क्या आपकी संगति, आपके आसपास किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, आपके किस प्रकार के दोस्त हैं, क्या ये लोग निर्धारित करेंगे कि आपका चरित्र, आपकी पहचान क्या होगी, विशेष तौर पर उन लोगों की नजरों में जो आपको नहीं जानते, या तब तक जब तक आपने इस दुनिया में सफलता को हासिल नहीं किया है, या आपकी कोई खास पहचान इस दुनिया में नहीं है। के घर वालों की तरह मुझे भी यही लगता है कि अगर आप अच्छे लोगों के बीच रहेंगे तो आप अच्छे इंसान बनेंगे, और अगर आप बुरे लोगों के बीच रहेंगे तो आप बुरे इंसान बनेंगे। और इस चीज को मैं भी मानता हूं, विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप इस समय सफलता को पाने के लिए प्रयासरत हैं। आपने अभी तक इस दुनिया में अपनी कोई पहचान नहीं बनाई है, बल्कि आप चाहते हैं कि आप सफलता को हासिल करें और इस दुनिया में अपनी पहचान को बनाएं। तो तब तक जब तक कि आप इस दुनिया में सफल नहीं हो जाते, आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तब तक लोग आपके बारे में कि आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं, आप कैसे इंसान हैं, इसका अंदाजा आपके आसपास रहने वाले लोगों की हरकतों से ही लगाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके आसपास रहने वाले लोग आपकी पहचान को प्रभावित करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी पहचान इस दुनिया में नहीं बना पाए हैं, यानी कि अगर आपने अभी तक सफलता को हासिल नहीं किया है, आप एक स्टूडेंट हैं और आप सफलता हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं, तो उस दौरान आपके बारे में लोगों का अंदाजा कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, ये आपके आसपास के लोगों पर निर्भर करता है। और रुकिए, आप आगे जाकर सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे ये भी निर्धारित कौन करेंगे, आपके आसपास रहने वाले लोग, क्योंकि वो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए तो मैं स्क्रीन पर कुछ लिख देता हूं और आपको बताना होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये इंग्लिश का अल्फाबेट है बी, और आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये 13 यानी कि 13 लिखा हुआ है। तो इस लिखी हुई चीज की हालत बिल्कुल आपकी तरह है, यानी कि कुछ लोग आपको अच्छा मान रहे हैं और कुछ लोग आपको बुरा मान रहे हैं, क्योंकि लोग आपके बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानते, और शायद आपने भी इस दुनिया में अपनी पहचान नहीं बनाई हुई है क्योंकि आप सफलता पाने के लिए प्रयासरत हैं। तब उस परिस्थिति में आपको बी माना जाए या आपको 13 माना जाए, ये किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा आपके आसपास जो लोग हैं उन पर। देखिए किस तरह, अगर मैं कहता हूं कि ये चीज जो लिखी हुई है वो 13 भी हो सकती है और वो बी भी हो सकती है, लेकिन हमें श्योर नहीं। लेकिन अगर मैं इसके आगे और पीछे 12 और 14 को रख देता हूं, तो ऑब्वियसली आपका मानना होगा कि ये चीज डेफिनेटली क्या है, 13। क्योंकि अगर आगे 12 है, पीछे 14 है, तो बीच में बी कैसे हो सकता है? बीच में होगा 13। तो आपकी पहचान यहां पर लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट बना रखी है इस आधार पर कि पहले 12 आ रहा है और फिर 14 आ रहा है। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर मैं पहले ए को रख दूं और बाद में सी को रख दूं, तो लोग आपको क्या मानना स्टार्ट कर देंगे? बी। तो जब तक आप इस दुनिया में अपने आप को सफल नहीं बना लेते, जब तक कि आप इस दुनिया में सक्सेसफुल नहीं हो जाते, अच्छे लोगों को अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि ये अच्छे लोग आपके सफल होने से पहले तक आपकी पहचान इस दुनिया में अच्छी बनाने में मदद तो करेंगे ही, साथ ही आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इसी आशा के साथ कि आप अच्छे लोगों के बीच रहेंगे, आपकी संगति अच्छी होगी और आप एक दिन अपनी पहचान इस दुनिया में बहुत ही ऊंची और बहुत अच्छी बना पाएंगे, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहता हूं। थैंक यू वेरी मच।